राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। अरे गौरव, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी हमें खेलने दो ना, प्लीज, मजा आ रहा है। और कहानी कौन सुनेगा? ये मम्मी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसका नाम है स्नो व्हाइट और सात बोनी। एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी, नरम मुलायम बर्फ रूई की तरह धरती पर गिर रही थी। रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है। रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विश मांगी, काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का, होंठ इतने ही लाल हो जितना मेरा खून, और बाल इतने ही काले हो जितनी ये काली चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो व्हाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो व्हाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए। नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन वह एक जादूगरनी थी। हर रोज वह अपने जादुई शीशे से बातें करती और पूछती, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? और शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी यह सुनकर खुश हो जाती क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो व्हाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो व्हाइट तुमसे भी सुंदर, सुनो सच यही। रानी स्नो व्हाइट से जलने लगी और गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो व्हाइट को जान से मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो व्हाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो व्हाइट का दिल लाकर देने को कहा, जिससे रानी को विश्वास हो जाए कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। सिपाही स्नो व्हाइट को लेकर जंगल में चला गया और उसे मारने के लिए बड़ा सा चाकू निकाल लिया। स्नो व्हाइट डर गई और सिपाही के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सिपाही को स्नो व्हाइट पर दया आ गई लेकिन रानी से भी डरते थे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें वापस राजमहल लेकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें यही जिंदा जंगल में छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम वापस महल कभी नहीं आओगी। स्नो व्हाइट ने सिपाही की बात मान ली।
सिपाही स्नो व्हाइट को जंगल में अकेला छोड़ चला गया और रास्ते में एक हिरण का शिकार कर उसका दिल लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी को कहा कि यह स्नो व्हाइट का दिल है। स्नो व्हाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा। स्नो व्हाइट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर ना आया वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने एक खाने की टेबल देखी, जहां 7 छोटी छोटी प्लेट्स, 7 चम्मच, 7 प्यारी प्यारी कप और 7 छोटी कटोरियां थी। स्नो व्हाइट को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा, वहां 7 बेड लगे थे। स्नो व्हाइट बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। ये घर था 7 बूनों का, जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे। जब वे रात में घर पहुंचे, उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका है। जब वे अंदर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। ये सुंदर लड़की कौन है? जब स्नो व्हाइट उठी, उसने 7 बोनों को अपने बारे में बताया। बोनों को स्नो व्हाइट की बात सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो, स्नो व्हाइट घर का दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, क्योंकि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो व्हाइट खुशी खुशी बोनों के साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन स्नो व्हाइट सबसे सुंदर रहती है 7 बोनों के घर। रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो व्हाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का भेष बदलकर जंगल में पहुंची और बोनों का घर ढूंढ लिया। स्नो व्हाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो? तुम्हारे बाल सवार दूं, आओ। स्नो व्हाइट बोनों की बात भूल चुकी थी, बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा। आओ, मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। कंघी में जहर लगा हुआ था। स्नो व्हाइट जमीन पर कंघी लगते ही बेहोश होकर पड़ी। रानी वहां से भाग गई, कंघी को स्नो व्हाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब बोने काम से वापस लौटे, उन्होंने स्नो व्हाइट को बेहोश देखा। स्नो व्हाइट पर पानी डाला और कंघी को बालों से निकाल दिया। स्नो व्हाइट ने पूरी घटना बोनों को बताई। बोनों को लगा कि जरूर ये दुष्ट रानी ही है। बोनों ने स्नो व्हाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे। रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। स्नो व्हाइट अभी भी है जिंदा, नहीं कोई उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया, इस बार वो स्नो व्हाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेष बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो व्हाइट ने दरवाजा नहीं खोला, पर वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे हैं तुम्हारे सेब? खाकर
कर देखो प्यारी लड़की, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं। स्नो व्हाइट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हंसती वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी खुश हो गई। जब बोनो ने स्नो व्हाइट को मरा हुआ पाया तो उदास हो गए और एक कांच के कॉफिन में स्नो व्हाइट को रख दिया। बोनो ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नो व्हाइट का कॉफिन रख दिया और उसे देखने लगा। अचानक एक राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो व्हाइट को देखा, उसे देखते ही स्नो व्हाइट से प्यार हो गया। राजकुमार ने बोनो से कहा, वह स्नो व्हाइट को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्या वो उसे किस कर सकता है? बोनो मान गए। राजकुमार ने जैसे ही स्नो व्हाइट को किस किया, सारा जहर गायब हो गया और वह जिंदा हो गई। बोने खुश होकर उछलने लगे। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी कर ली। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन रानी स्नो व्हाइट तो है सबसे सुंदर। दुष्ट रानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया। राजा को पता चल गया कि रानी ने ही स्नो व्हाइट को मारने की कोशिश की थी। स्नो व्हाइट सात बोनों को अलविदा कह के वहां से चली गई। स्नो व्हाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। एक बहुत सुंदर लड़की थी, उसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बहनें उसे परिवार का सदस्य भी ना मानती और घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन राजमहल के सेवक ने एक शाही दावत की घोषणा की जिसमें सभी लड़कियां आ सकती थीं। मैं अपनी लाल पोशाक पहनूंगी, बड़ी सौतेली बहन ने कहा। और मैं अपनी हरी पोशाक पहनूंगी, छोटी बहन ने कहा। शाही दावत का दिन आ गया। सौतेली माँ और दोनों बहनें सच धज कर दावत पर चली गई। खिड़की से उन्हें जाता देख सिंड्रेला उदास हो गई।
काश मैं भी शाही दावत पर जा पाती। अचानक से परियों की धर्म माता प्रकट हुई। क्या हुआ प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें भी शाही दावत पर जाना है? धर्म माता ने प्यार से पूछा। हाँ, लेकिन मैं इतने फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? अपने आंसू पोंछ लो, मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू, 6 चूहियां और 1 चूहा लेकर आओ। सिंड्रेला ने धर्म माता की बात तुरंत मान ली। धर्म माता ने कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और एक सोने की सुंदर पालकी में बदल दिया। चूहियों को घोड़ों में बदल दिया और चूहे को पालकी चालक में बदल दिया। अब तुम्हें बस एक सुंदर पोशाक चाहिए, धर्म माता ने कहा। धर्म माता ने सिंड्रेला को छड़ी से छुआ और उसके पुराने फटे कपड़ों को एक सुंदर पोशाक में बदल दिया। अब सिंड्रेला बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। जैसे ही सिंड्रेला पालकी पर बैठी, धर्म माता ने सिंड्रेला को चेतावनी दी। याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना है, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। मैं याद रखूंगी, सिंड्रेला ने कहा। जल्द ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। सभी लोग सिंड्रेला को देखते ही रह गए। कितनी प्यारी लड़की है, कितनी सुंदर पोशाक है। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। पूरी शाम वह सिर्फ सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। अचानक जब घड़ी में 12 बजे, तब सिंड्रेला को धर्म माता की चेतावनी याद आई। ओह, मुझे जाना होगा, सिंड्रेला चिल्लाई और भागी। रुको रुको, मुझे अपना नाम बताओ। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे भागा, पर सिंड्रेला वहां से चली गई थी। तभी राजकुमार ने सीढ़ियों पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह सिंड्रेला का एक पैर का जूता था। राजकुमार ने उसे उठा लिया। अगले दिन यह ऐलान किया गया कि जिसे भी वह जूता ना पाएगा, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राजकुमार का मंत्री घर घर जाकर उस जूते को सब लड़कियों को पहनाने लगा। जब मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंचा, दोनों बहनों ने उस जूते को पहना, लेकिन किसी को भी वह पूरा नहीं हुआ। अब आपकी बारी है, मंत्री ने सिंड्रेला से कहा। पर यह तो सिर्फ एक नौकरानी है, सौतेली माँ ने कहा। इसे भी यह पहनना चाहिए, मंत्री ने कहा। जूता अच्छे से सिंड्रेला को ना पा गया। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। तभी धर्म माता प्रकट हुई। और सिंड्रेला को एक राजकुमारी बना दिया। यह तो वही राजकुमारी है जो राजकुमार के साथ शाही दावत में थी। उसके बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। बिल्ली मौसी बोलो आज क्यों आई हो, दूती ने
एक समय की बात है, एक जगह एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें एक संतान की इच्छा थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने एक सुंदर सलाद पत्ती का बागीचा देखा, जो उनके घर के एकदम करीब था। उस समय के बाद वह कुछ और सोच भी न पाती सिवाय सलाद पत्तियों के। पति का दिल पत्नी की इच्छा सुन घबराने लगा। काश मैं उन्हें खा पाती। यह बगीचा था एक दुष्ट चुड़ैल का, जो किसी को बागीचे में घुसने तक नहीं देती थी। पर वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए घबराते घबराते वह बागीचे में पहुंचा रसीले सलाद पत्तियों को तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वह पत्ती तोड़ने वाला था, दुष्ट चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? चुड़ैल चिल्लाई। वह चुड़ैल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। कृपया कर मुझे छोड़ दो, अगर मेरी पत्नी ने यह नहीं खाया वह मर जाएगी। वो माँ बनने वाली है और बहुत बीमार है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अगर तुम मुझे अपना पहला बच्चा देने का वादा करो। बेचारे के पास चुड़ैल की शर्त मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। वह सलाद पत्ती लेकर चला गया। कुछ समय बाद उन्हें एक बच्ची हुई। लेकिन समझौते के मुताबिक चुड़ैल बच्ची को लेने के लिए आ पहुंची। खूबसूरत लड़की का नाम रखा रुपेंजल। दुष्ट चुड़ैल बच्ची को दूर देश ले गई और एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया, जहां ना तो कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियां, बस ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रुपेंजल ने दुष्ट चुड़ैल के सिवा कभी किसी को नहीं देखा था। बड़ी होकर वह बहुत खूबसूरत लड़की बन गई, जिसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, आवाज बहुत प्यारी थी और लंबे लंबे सुनहरे रंग के बाल थे। दिन भर वह अकेली रहती और गाना गुनगुनाती। कितने प्यारे नजारे तेरे लिए मेरे लिए, हमेशा के लिए हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सारे हैं नजारे तेरे मेरे लिए। लल्ला रल्ला 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 लल्ला 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 रल्ला 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 लल्ला। ओ पंछियों मेरे साथ गाओ, मैं अकेली हूँ, मेरे दोस्त बन जाओ। रुपेंजल दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन वो उस मीनार में कैद थी। हर रोज दुष्ट चुड़ैल रुपेंजल के लिए खाना लाती और मीनार के नीचे से आवाज लगाती। रुपेंजल, रुपेंजल, अपने बाल नीचे फेंको। रुपेंजल खिड़की से अपने लंबे बालों को नीचे फेंक देती और दुष्ट चुड़ैल उन बालों को रस्सी की तरह पकड़कर मीनार पर चढ़ जाती। एक दिन एक सुंदर राजकुमार मीनार से गुजरा और उसने रुपेंजल को गाते हुए सुना। सारे नजारे तेरे लिए मेरे लिए, हमेशा के लिए। सपने देखूं मैं प्यारे पर्वतों के, ये सब नजारे हैं हमारे लिए। राजकुमार को उसकी आवाज से प्यार हो गया। वह रोज रुपेंजल का गाना सुनने के लिए वहां आता। एक दिन राजकुमार ने दुष्ट चुड़ैल को रुपेंजल के बालों के सहारे मीनार चढ़ते हुए देखा। राजकुमार को उपाय सूझा। अगले दिन उसने भी रुपेंजल को आवाज लगाई। रुपेंजल, रुपेंजल,
अपने बाल नीचे फेंको। उसके बाद राजकुमार मीनार चढ़ गया और रोज रुपेंजल से मिलने आने लगा। लेकिन एक दिन राजकुमार और रुपेंजल को चुड़ैल ने देख लिया और अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक दिया, जिससे वह अंधा हो गया और रुपेंजल को वहां से बहुत दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया। कई साल बीत गए। अंधा राजकुमार अकेले भटकते भटकते आखिरकार उसी रेगिस्तान में जा पहुंचा जहां रुपेंजल थी। एक दिन उसने वही मिलती जुलती आवाज सुनी, कितने सारे नजारे तेरे लिए मेरे लिए, हमेशा के लिए हमेशा के लिए, सपने देखे थे मैंने पर्वतों के, ये सब नजारे थे हमारे लिए। आवाज का पीछा करते करते वह रुपेंजल के पास आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रुपेंजल के गालों से बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में जा गिरे और राजकुमार को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। राजकुमार रुपेंजल को अपने साथ महल में ले गया जहां वो खुशी खुशी रहने लगे। माँ, क्या तुम मेरे लिए रोटी बना सकती हो? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुना सकती हूँ, जिंजर ब्रेड मैन। क्या बात है, मैं इस कहानी को सुनना चाहूंगी। तो आओ मेरे पास बैठ जाओ और ध्यान से सुनना। एक बार एक बूढ़ी औरत थी और उसका कोई बेबी नहीं था, तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए जिंजर ब्रेड मैन बनाऊं ताकि मैं अकेली ना रहूं। उसने आटे को मिलाया और उसको एक शरीर का आकार दिया और साथ ही किशमिश से उसकी आंखें और नाक को बनाया और कुछ चीनी के दाने उसके ऊपर डाल दिए और तंदूर में जिंजर ब्रेड मैन को रख दिया और फिर वो रसोई में कुछ काम करने के लिए चली गई। और जब उसको बाहर निकालने का समय हुआ तो उसने तंदूर में से आती हुई एक आवाज सुनी। वो तंदूर के पास गई और उसने एक छोटे बच्चे की रोते हुए आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बूढ़ी औरत थोड़ा डर गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तंदूर का और वो चौंक गई। अचानक से जिंजर ब्रेड मैन बाहर आया और कूद गया, रसोई में चारों ओर घूमने लगा और फिर दरवाजे से बाहर चला गया। बूढ़ी औरत चौंक गई उसको देखकर और उसके पीछे भागने लगी और चिल्लाने लगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जिंजर ब्रेड मैन, रुक जाओ।
लेकिन जिंजर ब्रेडमैन तो भागता रहा। भागते हुए जिंजर ब्रेडमैन बोल रहा था, भागो भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेडमैन। वापस आओ वापस आओ, बूढ़ी औरत चिल्ला रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। वो सड़क से नीचे की ओर भागा, बूढ़ी औरत की गाय की ओर। गाय ने अपना सर ऊपर किया और दौड़ते हुए छोटे से जिंजर ब्रेडमैन को देखकर चौंक गई। गाय ने कुछ जिंजर ब्रेडमैन को पास से देखा और सोचा, वाव, ये तो मेरा नाश्ता होगा। गाय ने कहा, रुको रुको जिंजर ब्रेडमैन रुको, मुझे पता है इस सूखी घास से तो तुम बहुत ही ज्यादा टेस्टी होंगे। लेकिन जिंजर ब्रेडमैन ने कहा, भागो भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेडमैन। और गाय जिंजर ब्रेडमैन को नहीं पकड़ पाई। रुको रुको जिंजर ब्रेडमैन, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। दौड़ते दौड़ते जिंजर ब्रेडमैन को रास्ते में एक घोड़ा मिला और घोड़े ने जिंजर ब्रेडमैन को पास से देखा और सोचा, वाओ, बहुत ही टेस्टी खाना होगा ये। और घोड़े ने कहा, रुक जाओ जिंजर ब्रेडमैन, जरा मुझे देखने दो, तुम बहुत ही अच्छा खाना हो मेरे लिए आज। लेकिन जिंजर ब्रेडमैन भागता रहा भागता रहा। भागो भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेडमैन। रुको रुको जिंजर ब्रेडमैन, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। और घोड़ा जिंजर ब्रेडमैन को नहीं पकड़ पाया। और तभी अचानक एक लोमड़ी झाड़ियों में से आकर तेजी से दौड़ने लगी। रुको रुको जिंजर ब्रेडमैन, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जिंजर ब्रेडमैन भागता रहा भागता रहा। भागो भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेडमैन। लेकिन जल्दी ही उसे आगे जाकर रुकना पड़ा एक बहुत बड़ी नदी के पास। और लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम मेरी पूंछ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये नदी पार करवा दूंगी, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगी। लोमड़ी ने प्रॉमिस किया कि तुम सुरक्षित रहोगे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। और जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया और नदी को पार करने लगा। जैसे ही चलते चलते पानी गहरा होने लगा, लोमड़ी ने कहा, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जिंजर ब्रेड मैन, तुम मेरी कमर पर आकर बैठ सकते हो। जिंजर ब्रेड मैन ने वैसा ही किया और जैसे कि पानी गहरा होता गया, जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी के सर पर जाकर बैठ गया। और जब वो नदी के पार पहुंचे तो जिंजर ब्रेड मैन ने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और कहा, ये बहुत ही अच्छा सफर था, बहुत मजा आया। तभी अचानक से लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड मैन को अपने सर से ऊपर उठाया और जोर से घुमाया और मुंह खोलकर उसे अंदर ले लिया और फिर उसे अपना भोजन बनाया। और फिर लोमड़ी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा खाना था।